नमस्कार, मैं प्रियंका, डिस्ट्रिक्ट पलवल, ब्लॉक हथीन की सापण के गांव में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA, BEd, MEd और MPhil रही है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पहले मेरा अनुभव प्राइवेट सेक्टर में रहा, लेकिन 3.5 साल से मैं सरकारी संस्था में काम कर रही हूँ। इन दोनों के बीच जब मैं अंतर देखती हूँ तो बहुत कुछ मेरे मन और मस्तिष्क में सवाल पैदा कर देता है। जब मैं वहाँ पलवल गई तो एक नया समाज, नए बच्चे, माता पिता की सोच, उनकी परंपराएं, उनका पिछड़ापन, सब कुछ मेरे लिए नया था। लेकिन इतना पिछड़ापन होते हुए भी माता पिता ने अपने बच्चों के लिए शिक्षा का चुनाव, बच्चों को हर रोज़ हमारे पास अध्यापन के लिए भेजना, और बच्चों में भी इतनी सारी समस्याएं होते हुए भी अपने माता पिता का काम में हाथ बटाना, और मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होकर भी शिक्षा के लिए, एक उनकी विशेषता है जो उनकी एक लगन है वो मुझे देखने को मिली। हर रोज़ कुछ नए पर्सन, कुछ नया सीखने का उनका उतावलापन मेरे मन में खुशी देता था। लेकिन कुछ पर्सन मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा आते रहते थे कि एक ऐसा समाज जो मैंने अभी तक नहीं देखा था, जहाँ बच्चे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित हैं, हर रोज़ कुछ नए पर्सनों के साथ, नई समस्याओं के साथ, और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में मैं प्रयासरत, हर रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगी हुई थी। लेकिन इसी बीच COVID-19, एक भयानक दौर जो हम सब के सामने एक चुनौती लेकर आया, विशेषतः उस पिछड़ेपन वाले क्षेत्र में जहाँ बच्चों के पास सुविधाएं नहीं थी। अब मेरे जैसे अध्यापक के सामने एक समस्या जो सबसे गंभीर थी कि हम अपनी अध्यापन कार्य को कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, हम अपने बच्चों से कैसे जुड़ सकते हैं, ये समस्याएं बहुत गंभीर थी हमारे सामने। लेकिन धीरे धीरे हम अपने कार्य क्षेत्र में उतरते गए और हर रोज़ कुछ नया सोचकर, कुछ नया करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच अरविंदो सोसाइटी के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए जो पहल आरंभ की गई, ZIIEI के द्वारा जो नवाचार, इनोवेटिव आइडियाज़, कम समय में कुछ ज़्यादा कर पाने की एक नई सोच, उठो, जागो और तैयार हो जाओ कि जो एक नई पहल उनके द्वारा चलाई गई, उससे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं, ये समय हार मानने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। जिस प्रकार से अरविंदो सोसाइटी के ट्रेनर श्री राम शर्मा जी के द्वारा एक नई सोच के साथ हम सभी शिक्षकों की समस्याओं को सुनते हुए, उनके द्वारा जो हमें एक नई दिशा, एक नई सोच और उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जो सुझाव उनके द्वारा दिए गए, उनको सुनकर हमें बहुत खुशी अनुभव हुई और काफ़ी हद तक हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी रहे। हालांकि मैं अपने कार्य क्षेत्र में 100%
सफल होने की गुंजाइश नहीं रखती, लेकिन एक शिक्षक यदि अपने विश्वास के साथ हर रोज़ कुछ नया दे पाए, केवल अपने बच्चों को ही नहीं, वो हर बच्चा जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, ये सब सुनकर हमारे मन के अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा और हम अपने कार्य के साथ खुशी के साथ जुड़ सकें। तो मैं तहे दिल से श्री राम शर्मा जी का, अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, एक अच्छी पहल की और शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए उनके साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को सुलझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। धन्यवाद।